हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको गुम स्लीव्स जोड़ने का तरीका बताऊंगी क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया बैठती है। तो हम ये साइड से सिलाई लगा कर लेंगे और ये हम स्लीव्स को नापेंगे। इसके बराबर से दो सूत ज़्यादा आनी चाहिए। ये पूरी गोलाई अपने को इसकी गोलाई से मिलाना है। अब हम इन दोनों को पकड़ लेंगे एक जैसा। दो सूत यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा आ रहा है तो हम दो सूत एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये दो सूत छोड़ देंगे। ये हम निशान लगा लिया हमने। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अगर हम इस तरीके से स्लीव्स जोड़ते हैं तो इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाकर पहनेंगे तो आप हर बार इसी तरीके से सिलाई करेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस पर जमाएंगे। आप ध्यान से देखना, इसे हमको मिला लेना, इस सिलाई से सिलाई को मिलाना है। अब अस्तिन को इस पर रख कर कपड़े को चढ़ा देना है और फिर ये आपको जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है। ये देखिए, इस जॉइंट को स्लीव्स की जॉइंट से मिला लेना है और फिर हमें स्लीव की तरफ से ही सिलाई लगाना है। पूरे गोल राउंड पे सिलाई लगाना है और ध्यान रखना है कि हमें इसमें सल ना आ जाए। पीछे का जो शोल्डर का जॉइंट है उसे हमें पीछे की साइड ही रखना है और ध्यान से इस पर चारों तरफ गोलाई पर सिलाई लगा लेना है। आप ही जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। इस तरीके से सिलाई लगाने पर इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। आपको कपड़े का पूरा ध्यान रखना है कि सल ना आ जाए। पूरे गोल राउंड पर सिलाई लगाना है और इसे हम डबल सिलाई लगा कर लेंगे। अब इसको आप एक बार चेक कर लें कि कहीं इसमें सल तो नहीं है। ये देखिए, कहीं पे भी सल नहीं है इसमें। देखिए, पूरा गोल राउंड है। ये देखिए, जॉइंट से जॉइंट मिला हुआ है। ये हमारा पूरी गोलाई अच्छी फिनिशिंग से बैठी है। ये देखिए, सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी बना लेना है। ये देखिए, ये हमारी पहली स्लीव और ये हमने दूसरी भी लगा ली है। सेम इसी तरीके से आपको लगानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।